गुड मॉर्निंग नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी होस्ट सबाहत इकबाल और हाजिर हूं आपके पसंदीदा शो जिसका नाम है सितारों के अहवाल के साथ। आपको पता है कि आज फ्राइडे का दिन है, बाबरकत दिन है। गुफ्तगू रहेगी आपके सितारों के हवाले से और जानेंगे कि आज के दिन पे यूजुअली हटके जो हमारी रूटीन है उससे क्या किया जा सकता है जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमा सकें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ दे सकें। क्योंकि मेरे नज़दीक अगर आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं तो उससे बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है। हमारे साथ मौजूद है हमारे एस्ट्रोलॉजर जेमोलॉजर अली तबस्सुम साहब जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का बड़ा करम है, सबहत परवरदिगार का बहुत बहुत शुक्र है। जुमातुल मुबारक का दिन मेरी तरफ से और हमारी तमाम कैपिटल टीवी की टीम की तरफ से जुमातुल मुबारक हो हमारे तमाम बहन भाइयों को, हमारे व्यूवर्स को जो हमें लाइक करते हैं, हमारा शो देखते हैं। सुबह जुमे के दिन ज़्यादातर सदका खैरात करना चाहिए, बल्कि हदीस में कि जुमे के दिन सदका करने का दुगना सवाब है। और जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करना, आयतुल कुर्सी की तिलावत करना, सूरह कौसर, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह वन्नास की तिलावत करना बहुत ही मुबारक होता है। तो यकीनन वो लोग जो सदका खैरात करते हैं, दूसरों का एहसास करते हैं, सीला रहमी करते हैं, वो लोग जो जिनसे उनके अपने रिलेटिव या फैमिली मेंबर या नेबर में कोई नाराज़ होता है तो वो जाकर पहल करते हैं, तो अल्लाह ताला उन लोगों से बहुत ज़्यादा खुश होता है। और पहल का मकसद ये नहीं कि गलती आप ही की होगी, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक वो पहलवान नहीं कि जो किसी को अखाड़े में मार दे और बहुत बड़ी बात हो गई। वो है कि जो अपने नफ्स पे काबू रखे, और अगर आपकी गलती नहीं है आपने फिर भी कहा कि चलें ठीक है दफ़ा करें चीज़ को, आप मिट्टी डालें, आप कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठ जाएँ, तो अल्लाह ताला इससे ज़्यादा खुश होते हैं। और सोशली क्या वैल्यू है जुम्मतुल मुबारक की, कि आपको पता है कि जब नमाज़ हो रही होती है तो सब इर्द गिर्द इधर के, आजकल तो खैर जामा मस्जिद इतनी करीब करीब हो गई है कि कोई लॉजिक नहीं रही, लेकिन जो मैंने पढ़ा है कि जामा मस्जिद की लॉजिक ये थी कि इर्द गिर्द जो है वो सोशली सब आके मिले, और इर्द गिर्द जो भी इलाके हैं कि जो कि वैसे नॉर्मल मस्जिदों के रीच से आउट है, तो वो वीक में एक दफ़ा लोग इकट्ठे हों और प्रॉब्लम डिस्कस करें कि हो सकता है किसी की शादी हो रही हो सकता है किसी के घर में राशन ना हो, तो ये तमाम चीज़ें डिस्कस होती थी। आपको पता है कितनी ज़्यादा इनसेंसिटिविटी है हमारी सोसाइटी में, तो आप इन चीज़ों की क्या वजूहत देखते हैं? आपने बहुत अच्छी बात कही है। यकीनन जुमातुल मुबारक के दिन जब हम सब लोग मुसलमान इकट्ठे होते हैं मस्जिद में, तो एक भाईचारे की फ़ज़ा कायम होती है, यूनिटी, इसमें इतफाक़ और गरीब और अमीर का कोई फ़र्क नहीं रहता, और एक दूसरे से इंसान फिर वो लोग जो इसमें हमसाए जो नेबर में रह रहे होते हैं, जो हफ्ता हफ्ता या महीनों नहीं मिल पा रहे होते हैं, तो यकीनन आपस में वो जब बगलगीर होते हैं या सलाम दुआ करते हैं तो यकीनन उनके अंदर एक चाहत पैदा होती है, मोहब्बत उनसे। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई काम आप कहते हैं कि यार उस इंसान से मिल लूँ तो ये काम हो जाए, और आपको वो शख्स देखते याद आता है कि अच्छा इससे तो ये काम हो सकता है, तो आपको नहीं पता अल्लाह ताला क्या, क्योंकि मिलने से तमाम चीज़ें होती हैं। लोग ये जो कदर तालुक ही कर लेते हैं तो इससे कुछ भी नहीं हो सकता, और आपको अगर इस्लाम की आप तमाम चीज़ों पर फोकस करें और उसके हिसाब से बड़ी सिंपल तरीके से अपनी ज़िंदगी को अगर गुजारें तो काफ़ी मसाइल वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। हमारे साथ है कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर, कौन और कहाँ से बात कर रही है? हेलो, हाँ हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है, आप बात करें। हेलो, मेरे ख्याल से कुछ कॉल में मसला है, तो आप कॉल दोबारा ले लें, आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। हेलो, हाँ जी, तो हम बात करेंगे, आपको पता है पिछले शो में हम बात कर रहे थे, मैं वापस से रिकैप करती चलूँ, हमने बात की थी मंगलिक की, तो मैं इनसे पूछूंगी कि थोड़ा सा आप वापस से बता दें कि मंगलिक जो होता है इंसान वो बेसिकली क्या है, वो किन वजूहात की वजह से होता है और इसके इर्द गिर्द के लोगों पर उसका क्या असरात होता है। जी आवेल, अभी हम लास्ट प्रोग्राम में किरण कुछ मंगलिक पर रोशनी डाल रहे थे, तो मंगलिक वो लोग होते हैं जिनके स्टार में, जिनके कुछ ऐसे हाउसेस में मार्स आ जाता है जिसमें सेकंड हाउस होता है, सेवंथ हाउस होता है, तो उससे फिर उस पर्सन की लाइफ डिस्टर्ब रहती है, बल्कि न सिर्फ उस आदमी की लाइफ डिस्टर्ब होती है बल्कि उसके साथ जो भी मुंसलिक होता है, जिसके साथ भी उसका रिलेशन कायम होता है, वो रिलेशन बिजनेस पार्टनरशिप के हवाले से हो, वो उनके वो लाइफ पार्टनर हो या फ्रेंड हो, तो यकीन वो इंसान भी डिस्टर्ब होता है, मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब होती है, बिजनेस में प्रॉब्लम्स आती रहती है, माइंडली तौर पे वो इंसान डिस्टर्ब रहता है, लेकिन ये कि फिर डिपेंड करता है उस इंसान की विल पावर पर कि वो कैसे उस मुश्किलात का सामना करना करते रहना चाहता है या किस तरह वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हिम्मत अपने अंदर रखता है। वेल स्पिरिचुअली तौर पर वो शख्स ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करे, अपना बर्थ स्टोन वेयर कर सकता है, कुरान पाक की कंटिन्यू तिलावत करे, नमाज की बाकायदगी से नमाज अदा करे, तो यकीनन फिर जो नेचुरली तौर पे प्लैनेटरी पोजीशन होती है वो चेंज होती रहती है,
तो मंगलिक इंसान की लाइफ में मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं और ज़हनी तौर पे वो इंसान हमेशा घिरा हुआ रहता है सोचों से, प्रॉब्लम में मसाइल का शिकार रहते हैं। लेकिन मेरा ईमान है कि यकीनन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे स्टार्स भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से कामयाबियों की तरफ बढ़ रहे होते हैं, उनके स्टार की पोजिशन भी अच्छी होती है, लेकिन कुछ ऐसे हाउस उनके भी डिस्टर्ब होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर सेवंथ हाउस को रीड कर रहे होते हैं जो खुशियों का, मोहब्बत का, चाहत का, कामयाबी का हाउस होता है। अब उस शख्स का टेंथ हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है, बिजनेस में तो बड़ी वो तेजी से कामयाबी की तरफ बढ़ रहा होता है, बड़े एग्रीमेंट साइन कर रहा होता है, फाइनेंशियली तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन घर में उसको या तो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती या फिर घर में उनको सुकून नहीं मिलता है। तो वो जो वो तमाम सक्सेस होती है जो उनको बिजनेस में अपने ऑफिस में मिल रही होती है वो जीरो हो जाती है, क्योंकि वो जो तमाम चीज़ें तमाम सक्सेस कर रहे होते हैं घर वालों के लिए कर रहे होते हैं, अगर वहाँ से अप्रिसिएशन नहीं है तो ऑफकोर्स ये तमाम चीज़ें जो इसका बैलेंस होना चाहिए। और आपका बकौल आपने बजा फरमाया कि सदकात और नमाज और अल्लाह ताला का जिक्र ही है कि जो इन डिसबैलेंस सिचुएशंस को बैलेंस करता है। हमारे पास कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सुबह बखैर, कौन और कहाँ से बात कर रही है? मैं पेशावर से बात कर रही हूँ, अजरा। अजरा पेशावर से बात कर रही हैं जी, क्या पूछना चाहेंगी आप? जी मैं अपने बारे में पूछना चाह रही हूँ। जी जी। एक तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी ना मैरिज हुई थी, तो मेरी एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, दो दफा शादी हुई है और दोनों दफा ना डिवोर्स हो गई है। अच्छा, मतलब की मैंने खुला लिया। अच्छा, आपने एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी क्योंकि फर्स्ट हस्बैंड के साथ भी कुछ इश्यूज वगैरह थे और क्योंकि बेबी नहीं हो रहा था तो बस उनकी अम्मी ने उनकी सेकंड मैरिज करा दी, तो मतलब कि उनका रुझान दूसरी बीवी की तरफ ज्यादा था, तो मेरे घर वालों ने खुला ले ली। सेकंड मैरिज की मेरी मैं नहीं करना चाह रही थी, भाइयों ने जबरदस्ती कर दी, घर में बैठी हुई बेटी अच्छी नहीं लगती, कर दी। सेकंड मैरिज में माशाल्लाह से मेरी एक औलाद हुई थी, लेकिन इशू ये था कि वहाँ के जो मतलब की मारपीट, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, जुल्म करना, मतलब की बिल्कुल वहाँ पे औरत की जिंदगी जहन्नम बना दी गई थी। वहां से मैंने अपने घर वालों से बोला, वहां से भी खुला ली थी, लेकिन अब यह है कि लोगों की तोहमतें खा गई हैं। अब ये इशू वगैरह कि औरत ठीक नहीं है इसीलिए शायद खुला ले ली, ये ठीक नहीं है, पहला घर नहीं बस आया, दूसरा घर नहीं बस आया, अब तीसरी शादी के पीछे पड़ गए, तो मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पता नहीं हो क्या रहा है, मैं नहीं करना चाह रही। ठीक है, आप अपनी डिटेल्स बताएं और आप परेशान ना हो, डिटेल्स बताएं। वालदा का नाम शमशाद है, शमशाद इनकी वालदा का नाम है। आपकी डेट ऑफ बर्थ? और डेट 24 सितंबर। 24 सितंबर जी, 1991। ठीक है जी, और लोगों की परवाह ना करें क्योंकि लोग जो है वो ये मंजूर कर लेंगे कि आप घर में थपड़े खाए, पिटती रहे, अपने मुंह लाल करवा दें, लेकिन वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप सुकून से साइड में हो गई। कभी आपसे आके पूछा भी नहीं होगा कि जी बीबी वजह क्या रही। बहरहाल तो लोगों को तो आप इग्नोर करें, इंशाल्लाह आपको बताते हैं कि क्या आपके लिए बेहतर हो सकता है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। जी अज़रा, शीज़ लिब्रा, 24 सितंबर से 23 अक्टूबर के दरमियान जो लोग पैदा होते हैं उनका जोडिक साइन वीनस बनता है, जिसे हम जोहरा बुर्ज मेज़ान कहते हैं। वेल प्लैनेटरी पोजीशन अज़रा की अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इनका सेवंथ हाउस की पोजीशन थोड़ा वीक है, नेचुरली तौर पे कुछ नुसरत के स्टार के असरात प्रॉब्लम क्रिएट करते चले आ रहे हैं लास्ट बार 5 to 6 ईयर से। जब आपके साथ ये सिचुएशन चल रही हो, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में आपका सेवंथ हाउस हो, तो उस वक्त फिर आपको मैं नौरतन सजेस्ट करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सदकात खैरात करना आपके लिए बहुत मुफीद होता है। फर्स्ट मैरिज का फेलियर होना, सेकंड मैरिज का फेलियर होना बाज़ दफ़ा होता है किस्मत के अंदर, ये चीज़ें बनती हैं, संवरती हैं, ज़िंदगी में बड़े नशेब व फराज का सामना आपको करना पड़ता है। बाज़ औक़ात हमारी वो बहनें जो डाइवोर्स्ड होती हैं, तलाक़ याफ्ता होती हैं, उनको मुआशरा बड़ी अजीब सी नज़रों से देखता है, लेकिन हिम्मत से काम लेना चाहिए। ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारी चीज़ों में फेलियर्स होते हैं, लेकिन जब आप साबित कदम रहते हैं, हिम्मत से काम लेते रहते हैं, तो यकीनन फिर आप माशाल्लाह एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के मालिक बन जाते हैं। सेवंथ हाउस की पोजीशन अच्छी बन रही है, लेकिन जुलाई, अगस्त, सितंबर के सेकंड क्वार्टर या फिर थर्ड क्वार्टर अज़रा मेरी बहन आपके लिए अच्छा साबित होगा। वो स्टार जो आपके जो आपको ऑनर दे सकते हैं, जिससे आपका स्टार मैच कर रहा है, उसमें एयर साइन पर्सनैलिटी में लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, ये स्टार आपको ऑनर, इज्जत, रिस्पेक्ट देंगे। एंड ऑफ दिस ईयर तक उम्मीद करता हूँ कि आपकी इंशाल्लाह मैरिज हो जाएगी, थर्ड मैरिज आपकी कामयाब रहेगी, सक्सेसफुल रहेगी। इसके साथ आपका लक हाउस आपका अच्छा है। इस वक्त अगर आप कोई अपने आप को मसरूफ़ करना चाहती हैं तो डेफ़िनेटली कोई भी इंडोर या आउटडोर काम कर सकती हैं, स्पेसिफिक वो फील्ड जिसमें आप काफ़ी तेज़ी से कामयाबी हासिल कर सकती हैं, जॉब के हवाले से या फिर बिज़नेस के हवाले से, उसमें गारमेंट्स का, बुटीक, सैलून का बिज़नेस करना आपके लिए अच्छा साबित होगा।
2018 में आपका मैं स्पिरिचुअल जर्नी देख रहा हूँ, रूहानी सफ़र आप कर सकती हैं, यकीनन इंशाल्लाह ये सफ़र आपकी कामयाबी का बायस बनेगा। इस वक्त आप दो सदकात दें, ज़्यादा से ज़्यादा रेड एंड वाइट चीज़ का। रेड चीज़ से मुराद कि आपकी अच्छे प्रपोजल आएंगे, मैरिज कामयाब रहेगी। अपने बर्थ स्टोन के साथ एमिथिस्ट या फिर एक्वामरीन के साथ अगर आप छोटा सा सुर्ख याकूत जिसे हम रूबी कहते हैं अगर आप ये पहन लेती हैं तो ये भी बहुत मुबारक रहेगा। लेकिन अभी मैंने आपके लिए नौरतन भी सजेस्ट किए, अगर आप नौरतन वेयर करना चाहें तो बहुत ही मुफीद होगा आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा सूरह नूर, सूरह निसा एंड सूरह यूसुफ की तिलावत करना आपके लिए बहुत मुफीद होगा और बायस बरकत होगा। और आपको मेरी तरफ से यही एडवाइस है कि इर्द गिर्द के लोगों की आप ना सुने, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं अगर औरत एक और शादी कर ले तो उसकी जो है कैरेक्टर पर बातें बन जाती हैं, और जबकि मर्द यहाँ चार चार शादियाँ करें तो इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं। तो बस आप छोड़ें ये चीज़, आप बिल्कुल इस चीज़ से डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी में फोकस रहें और यही लोग जो है वो फिर आपको फिर एक दिन ज़रूर कहेंगे क्या आप तीसरी शादी क्यों नहीं कर रही, तो फिर आपको अल्लाह ताला मौका देगा कि आप जवाब दें। आज आपको पता है कि फ्राइडे का दिन है और मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को एक से ज़्यादा स्टार ऑफ द डे बताया जाए, पहले बताया जाए कि कौन स्टार ऑफ द डे है, और सेकंड और थर्ड पोजीशन भी बताई जाए कि किन कौन कौन से स्टार्स है कि जिनकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। तो जानेंगे आज तीन स्टार्स के कंप्लीट जायचे जी। थैंक यू सो मच। स्टार ऑफ द डे वर्गो, जिसे हम तारुद बुध सुमला कहते हैं, इनका जोडिक साइन मर्कुरी लकी नंबर इनका 5 है। वेनसडे इनका लकी डे, लक हाउस बहुत अच्छा है इनका। 9th, 10th and 11th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है, द हाउस ऑफ पॉपुलरिटी, ऑनर, इज्जत, रिस्पेक्ट का हाउस, बिजनेस का हाउस एंड फ्रेंड्स हाउस। ये हाउस जब स्ट्रॉन्ग हो तो इट्स मीन कि वो पर्सनैलिटी बड़ी तेज़ी से कामयाबी की तरफ बढ़ रही होती है। वर्गोज के लिए अच्छा टाइम है, बल्कि 14 मई से इनका और अच्छा मैं टाइम देख रहा हूँ। अच्छे प्रोजेक्ट पर काम कर सकते, अच्छे एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। अब्रॉड की ट्रैवलिंग करना इनके लिए बहुत मुफीद होगा। आप बिजनेस अगर करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी का, क्लॉथ का, कोई भी इसमें इवन कि अगर ये कोई फर्नीचर वगैरह का भी बिजनेस करना चाहें तो ये फील्ड वर्गोस के लिए बहुत ही मुफीद, प्रॉफिटेबल फील्ड साबित होंगी। येलो कलर की चीज़ का सदका देना इस वक्त बहुत मुबारक रहेगा। जब आपके स्टार की पोजिशन बहुत स्ट्रांग हो, जब आप बहुत तेजी से कामयाबियों की तरफ बढ़ रहे हो, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करना, नमाज पढ़ना, सदका खैरात करना, सिला रहमी करना, अपने उन दोस्तों का ख्याल करना जिनको जिन्हें आपकी ज़रूरत है। यकीनन अल्लाह ताला इससे आपके रिस्क में बरकत लेकर आता है, आपके कामों में आसानी पैदा होती है, आप बीमारियों से सेफ़ रहते हैं, नजरें बद से, बंदिशा से आप सेफ़ रहते हैं। वर्गोस के लिए येलो सफ़ायर, गोल्डन टोपास मैं सजेस्ट करता हूँ। दोनों में से कोई भी एक स्टोन वेयर करना इनके लिए इंतहाई मुफीद होगा। ये स्टोन इनको फिज़िकली तौर पर इनकी रूहानी पावर में इजाफा करेगा, इनको नजरें बस से, बंदी शाह से सेफ रखेगा। बेहतर जी, हमारे पास मैसेज भी है, ये कह रही है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नाम इनका है सायरा, इनकी वालदा का नाम है बख्तावर, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 अगस्त 1992, और ये कह रही है मैंने एमए किया है पर जॉब में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, जहाँ भी अप्लाई करूँ वहाँ नाकामी हो जाती है, तो काइंडली मुझे बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है और मुझे कोई स्टोन भी बता दें जी। सायरा शीज लियो शम्स बुर्ज असद से बिलोंग कर रही है, हमारी सिस्टर, इनका जोडिक साइन सन, लकी नंबर इनका 1 एंड संडे इनका लकी डे। प्लेनेटरी पोजिशन थोड़ा सा इस वक्त इनकी डिस्टर्ब है, लक इनकी काम नहीं कर रही है। नो डाउट कि बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की मालिक है, बल्कि लियोस बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं, हिम्मत नहीं हारते, आगे बढ़ते रहते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं, अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच कर ही दम लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे हिडन हैंड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं जो नहीं चाहते आप कामयाबी की तरफ बढ़ें, तरक्की करें, और नेचुरली तौर पे इस वक्त आपकी जो प्लैनेटरी पोजीशन थोड़ा सा डिसबैलेंस है, समुद्री पोजीशन पर आ जाएगी। जुलाई अगस्त के महीने आपके लिए बड़े टॉप के होंगे। जो भी जॉब करना चाह रही हैं या जिस जो भी इस वक्त आप जॉब कर रही हैं, तो इसमें तरक्की, प्रमोशन, कामयाबी आपको जुलाई अगस्त में मिलेगी। लेकिन 10th हाउस की पोजीशन इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको आगे फ्यूचर में बिजनेस की तरफ इंशाल्लाह आते हुए देख रहा हूँ। बिजनेस करना आपके लिए बेस्ट साबित होगा, स्पेसिफिकली गारमेंट्स का, क्लॉथ का, सैलून का बिजनेस आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। रेड चीज़ों का इस वक्त सदका देना, हर किस्म की नजरें बस से, बंदिशा से आपको सेफ रखेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सूरह वशम, सूरह रहमान एंड सूरह वाकिया की तिलावत करना आपके लिए बहुत मुबारक होगा। रेड रूबी या फिर येलो सफ़ायर, दोनों में से कोई भी एक स्टोन अगर आप पहनती हैं तो डेफिनेटली ये स्टोन आपको प्रोटेक्ट रखेगा इवल फोर्सेस से या हिडन हैंड से एंड नजरें बद, बंदिशा से।
जी, और काफ़ी दफ़ा ऐसी चीज़ देखी गई है कि अगर कुछ इंसान का या किसी का भी थोड़ा सा वक्त जो है वो बुरा चल रहा है तो वो उसमें इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं या अपने ऊपर ये एक तरह से तारी कर लेते हैं बात, कि जब अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने आए वो उसे भी अवेल नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एग्जैक्टली इस बात आपने बिल्कुल ठीक कहा। हालांकि बहुत बाहिमत वो लोग होते हैं लेकिन मुश्किल मुसीबत को सडन जब कोई प्रॉब्लम उनके सामने आती है तो वो चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, अपने ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं, उस सिचुएशन से उस सर्कल से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते। आप इसमें फिर ऐसा होता है कि वो बैक होना शुरू हो जाते हैं, सही तौर पे उस काम को फोकस नहीं कर पाते, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, माइंडली तौर पे डिस्टर्ब हो जाते हैं। हिम्मत से काम लेना चाहिए। यकीनन हर इंसान की जिंदगी में क्राइसिस आते हैं, क्राइसिस को सामने करने वाले लोग बहुत बाहिम्मत कहलाते हैं, और वो जो लोग जो मुश्किलात का हिम्मत के साथ मुकाबला करने की सकत रखते हैं तो यकीनन इंशाल्लाह फिर वो मुसीबत परेशानी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ती। और हकीकतन सक्सेस आपकी वही है कि आप परेशानी में कैसे उन तमाम चीज़ों को डील करते हैं। इसी के साथ वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहें सितारों के अहवाल। वेलकम बैक नाजरीन, आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक से वापस और बातचीत रहेगी आपके हॉरोस्कोप के हवाले से और जानेंगे कि आज सेकंड स्टार ऑफ द डे कौन है। फर्स्ट स्टार ऑफ द डे तो बताया है इन्होंने कि वर्गो है, जिनकी सबसे ज़्यादा हाउस की पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। अब जानते हैं कि कौन सा ऐसा दूसरा सितारा है कि जिनके हाउस जो है वो थोड़े से वीक है लेकिन वैसे कंपेरिजन में स्ट्रॉन्ग है। जी वेल सेकंड स्टार ऑफ द डे अगर हम सबात देखते हैं तो लिब्रा, जिसे हम जोरा बुझ मिजान कहते हैं, वेल इनकी प्लेनेटरी पोजीशन भी बहुत अच्छी है। गो के 2016 में जो भी इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी अपने फ्यूचर को, अपने कैरियर को ब्राइट करने के हवाले से जो भी इन्होंने हार्ड वर्किंग की थी वो इनका आउटपुट इनको 2017 के मिड में मिल रहा है। जून जुलाई अगस्त के महीने लिब्रा के लिए बड़े टॉप के होंगे लेकिन इस वक्त भी इनकी प्लेनेटरी पोजीशन इनको आगे कामयाबी की तरफ लेकर जा रही है। स्पेसिफिकली सेवंथ हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है, शादी के हवाले से, प्रपोजल के हवाले से, या जो भी इस वक्त माइंड में है इनकी जो भी पर्सनल विशेज हैं वो पूरी होने जा रही हैं। कुछ अच्छे स्टार इनको सपोर्ट कर सकते हैं, खासतौर पर जेमिनी एंड एक्वेरियस से इनको काफ़ी फ़ायदा होगा। टेंथ हाउस इनका बहुत अच्छा है, कोई भी कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करना, प्रॉपर्टी का बिजनेस करना, क्लॉथ का या गारमेंट्स का, ये फील्ड इनके लिए अच्छी साबित रहेंगी। फर्स्ट हाउस इनका बहुत अच्छा है, द हाउस ऑफ पर्सनैलिटी, शख्सियत के हवाले से भी बहुत माशाल्लाह फेम, ऑनर, इज्जत, रिस्पेक्ट हासिल कर सकते हैं। सफेद चीज़ों का सदका देना इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। ओपल इनका बर्थ स्टोन है, ओपल के साथ अगर इस वक्त ये ब्लैक अकीक पहन लेते हैं तो ये दोनों स्टोन का कॉम्बिनेशन इनको हर किस्म की नजर बस से बंदिश आ से सेफ रखेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करें, सूरह वाकया, सूरह रहमान की तिलावत करना लिब्रा के लिए बहुत मुफीद होगा और बायस से बरकत होगा। ठीक है जनाब, हमारे पास कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कॉलर कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं इमरान बात कर रहा हूँ लाहौर। इमरान बात कर रहे हैं लाहौर से। जी इमरान साहब क्या पूछना चाहेंगे आप? अली भाई से आपके बारे में पूछना था, डेट ऑफ बर्थ थी मेरी 10 जून 1986। 10 जून 1986 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। आपकी वालदा का नाम? वालदा का नाम है कनीज फातिमा। कनीज फातिमा, ठीक है जी, क्या पूछना चाहेंगे? अली भाई से ये पूछना था, मैं सिक्योरिटी का बिजनेस करता हूँ। एक दो साल से 2-3 प्लॉट मैंने लिए हुए थे, ठीक है, जितना भी मेरा सरमाया था सब उसमें इन्वेस्ट कर दिया था। अब कुछ अरसे से 6-7 माह हो गए, उसको मैं सेल आउट करने की कोशिश बहुत कर रहा हूँ और मार्केट से कम पैसों में, लेकिन वो सेल आउट नहीं हो रहे। सारी बात हो जाती है, सारी चीजें हो जाती हैं, फिर एंडिंग पॉइंट पर आकर जिनसे मेरा होता है बातचीत सबकी, वो उससे पीछे हट जाते हैं, मना कर देते हैं कि हमने नहीं लेना। तो ऐसा फील हो रहा है कि इस चीज की वजह से बहुत ज्यादा टेंशन भी हो रही है और घर का माहौल भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ है। तो मैं मेरी वैसे पूरा जायजा जानना चाह रहा हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्या मेरे लिए कोई बंदिश तो नहीं है, कोई रुकावट तो नहीं डाली जा रही, तो इसका प्लीज मुझे हल बता दें। ठीक है, आपको आपका कंप्लीट जायजा बता देते हैं। ठीक है जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज़। जी इमरान, माय डियर ब्रदर, यू बिलोंग्स टू अ जेमिनी बुर्ज जोजा से बिलोंग कर रहे हैं। इस वक्त अगर हम आपके जायचे की पोजीशन देखते हैं, आपके प्लेनेटरी पोजीशन, लक हाउस इस वक्त थोड़ा वीक है, टेंथ हाउस की पोजीशन भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, वेट करना, सब्र करना आपके लिए अच्छा साबित होगा। जल्दबाजी में जब आप कोई फैसला करने जा रहे होते हैं, वो प्रॉपर्टी के हवाले से हो या कोई भी आपके कोई रिलेशन कायम कर रहे हो, तो फिर मैं समझता हूँ कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। यही प्रॉपर्टी आपको फ़ायदा देगी लेकिन एंड ऑफ दिस ईयर तक, इसी साल का थर्ड क्वार्टर या फिर फोर्थ क्वार्टर आपके लिए अच्छा साबित होगा।
सब्र करना, इंतज़ार करना आपके लिए अच्छा साबित होगा। इंशाल्लाह अच्छे स्टार आपको सपोर्ट कर सकते हैं, ख़ास तौर पर लिब्रा एंड इक्वेरी से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लें, डिप्रेशन का शिकार मत हो, लेकिन अदरवाइज सिक्स हाउस कुछ थोड़ा सा इशारा दे रहा है कि हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको आगे और ज़्यादा फिर प्रॉब्लम हो सकती है। वाइट चीज़ का सदका देना, ग्रीन चीज़ का सदका देना आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा। अपने बर्थ स्टोन के साथ, ग्रीन एमरल्ड के साथ या फिर ओनेक्स के साथ छोटा सा यमनी की अगर आप पहन लेते हैं तो डेफिनेटली ये स्टोन आपको फिजिकली तौर पर एक्टिव रखेगा, कल्ब सुकून का बायस बनेगा, नजरे बस से, बंदिशा से आपको सेफ रखेगा। इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य कौसर, सूर्य इखलास एंड सूर्य वाकिया की तिलावत करना आपके लिए बहुत मुफीद होगा और बायस बरकत होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से ऐसे स्टार्स हैं कि जिनको ज़्यादा मोहताज रहने की ज़रूरत है और वो खुद कुछ ऐसा काम ना करें कि जिस वजह से वो प्रॉब्लम का शिकार हो, या जिनके, मैं इन शॉर्ट आपसे अगर कहूं कि जिनके हाउसेस की पोजीशन थोड़ी सी वीक है, तो वो कौन से सितारे हैं, ब्रीफली ज़रा बताइएगा। पाइसिस, एक्वेरिस एंड कैप्रिकॉर्न को बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करें, स्पेसिफिकली ब्लैक चीज़ का सदका कैप्रिकॉर्न दे सकते हैं। ब्लैक चीज़ में कोई भी जैसे काले चने हो सकते हैं, कपड़ा वगैरह हो सकता है, या कोई भी काली चीज़। एक्वेरिस वाइट चीज़ का सदका दें, अपना बर्थ स्टोन वेयर कर सकते हैं, एक्वामरीन या फिर एमिथिस। पाइसिस भी सफ़ेद चीज़ का सदका दें, अपना बर्थ स्टोन अगर ये पहनते हैं तो डेफिनेटली ये नजरे बस से, बंदिश आ से सेफ रहेंगे। कॉरल या फिर लैपिस, दोनों में से कोई भी एक स्टोन वेयर कर सकते हैं। ठीक है जनाब, हमारे पास मैसेज भी है। इनका नाम है वकास वाहिद, इनकी वादा का नाम है शाहीन अख्तर, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1991 4th अक्टूबर और टाइम बता रहे हैं ये सुबह 4 बजे का। और ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप इनका कंप्लीट जायजा बताएं और स्पेशली जॉब के हवाले से कुछ चीज़ें बताएं। जी, वकास इज लिब्रा, जिसे हम जोरा बुर्ज मेज़ान कहते हैं, इनका जोडिक साइन वीनस, लकी नंबर 6 एंड फ्राइडे आपका लकी डे। प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी है इस वक्त, 10th हाउस बहुत अच्छा है। बिजनेस करना, कारोबार करना आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। प्रॉपर्टी का, क्लॉथ का, कोई भी इसमें अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली ये फील्ड आपके लिए बहुत मुबारक रहेगी। थोड़ा सा सिक्स हाउस की पोजीशन आपकी डिस्टर्ब है, हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम में स्टमक प्रॉब्लम या फिर थोड़ा सा स्किन प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अपने बर्थ स्टोन के साथ अगर आप येलो अकीक पहन लेते हैं, अपने आपका बर्थ स्टोन ओपल के साथ छोटा सा येलो अकीक पहनना आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। 9th हाउस एंड 10th हाउस की पोजीशन इस वक्त अच्छी है। जॉब के हवाले से अगर आप कोई हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उस हवाले से तो कोई सडन यहाँ पर जॉब के हवाले से कोई गुड न्यूज़ नहीं है। अलबत्ता बिजनेस करना, कारोबार करना आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अगस्त सितंबर के महीने आपके लिए बड़े मुबारक रहेंगे। अगर आप जॉब ही करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करने की पोजीशन में नहीं है, तो फिर आपको नेक्स्ट 2-3 मंथ वेट करना होगा। मे बी पॉसिबल जून या फिर जुलाई में जॉब के हवाले से आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। कंटिन्यूसली सूर्य रहमान, सूर्य वाकिया एंड सूर्य मुल्क की तिलावत करना आपके लिए बहुत मुफीद होगा और बायस बरकत होगा। ठीक है जनाब, अब जानेंगे इनसे कि थर्ड स्टार ऑफ द डे कौन है और कौन सा ऐसा साइन है कि जिनका हम दोबारा से कंप्लीट जायजा बताने लगे, क्योंकि आपको पता है कि हमने बड़ा शॉर्टकट सा ढूंढा है और जो हॉरोस्कोप जब हम रीड करते हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग हाउसेस बताते हैं। 2 स्टार्स के कंप्लीट जायजे बता चुके हैं हम, अब देखते हैं थर्ड स्टार ऑफ द डे कौन है। जी, कैंसेरियन, जिसे हम कमर बुर्ज सरतान कहते हैं, अगर हम देखते हैं थर्ड स्टार ऑफ द डे तो वेल मून साइन की पोजीशन अच्छी है। इनका भी 7th हाउस बहुत अच्छा है, इनके लक हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है। बड़ी तेज़ी से कामयाबी हासिल करेंगे, कम वक्त में ज़्यादा फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग होने की पोजीशन में इंशाल्लाह अपने आप को लेकर आ जाएंगे। कुछ अच्छे दोस्त इनको भी सपोर्ट कर रहे हैं। जुलाई अगस्त के महीने इनके लिए बड़े मुबारक रहेंगे। जो भी इनके कुछ अधूरे काम थे, पेंडिंग वर्क थे, जिनके लिए इन्होंने इसी साल के शुरू में प्लानिंग कर रखी थी, तो जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में इंशाल्लाह ये वो कामयाबी हासिल कर लेंगे, वो काम कंप्लीट कर लेंगे। अब्रॉड की ट्रैवलिंग देख रहा हूँ इसी साल, अगर ये कोई रूहानी सफ़र करने जा रहे हैं या कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो अगस्त सितंबर के महीने इनके लिए बड़े मुबारक साबित होंगे। सफ़ेद चीज़ का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा। अपने बर्थ स्टोन के साथ ब्लैक अकीक अगर ये पहन लेते हैं, इनका बर्थ स्टोन पर्ल बनता है, मून स्टोन बनता है, जिसे हम उर्दू में हिजरुल कमर कहते हैं, तो ये दोनों स्टोन इनको बहुत फिजिकली तौर पर रूहानी पावर प्रोवाइड करेंगे। हर किस्म की नजरे बस से, बंदिश से सेफ रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य बकरा की आखिरी 10 आयत की तिलावत करना, सूर्य वाकिया की तिलावत करना, सूर्य मुजम्मिल की तिलावत करना इनके लिए बहुत मुफीद होगा और बायस से बरकत होगा। ठीक है जनाब, हमारे पास कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं, सब ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। दुआएं आपकी। कॉलर कहाँ से बात कर रही है? मैं मिसेस काशिफ बात कर रही हूँ लाहौर से। मिसेस काशिफ बात कर रही है लाहौर से?
आप अपना नाम बता दें अगर आपने अपने बारे में पूछना है कुछ तो। नहीं, हस्बैंड के बारे में पूछना है। मेरा नाम अरीज है। आपका नाम क्या है? सॉरी, अरीज। अरीज इनका नाम समझ ही नहीं है। अरीज नाम है इनका। ठीक है जी, और क्या पूछना चाहेंगी आप? मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाह रही हूँ। एक्चुअली हम लोग ना घर लेना चाह रहे हैं। अभी हमने अपना घर सेल आउट किया है, लेकिन उसके अच्छा। बाद से ना, जब से घर सेल आउट किया अभी तो फिलहाल रेंट पे हैं और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा। मुझे सपोर्ट मेरे भाई कर रहे हैं क्योंकि हम जरा फाइनेंशियली सेट नहीं है अभी। तो भाई भी हालांकि बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चाह के भी ना घर ले पा रहे हैं। बच्चे भी डिस्टर्ब है, मैं भी बीमार रहने लगी हूँ। मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी जो खुद हमें समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। लास्ट ईयर तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन 2015 के एंड से ही घर बहुत कोशिश कर रहे, लेते लेते फिर हमारा मूड चेंज हो जाता है। बता दें ऐसा करें, ठीक है? और अपने हस्बैंड की भी। जी ठीक है, मेरी मदर नेम नोट कर लें। जी जी, फरजाना। फरजाना आपकी वालदा का नाम है। आपकी डेट ऑफ बर्थ? 16 जुलाई 1985। और आपके हस्बैंड का नाम? काशिफ जी। काशिफ अली। काशिफ अली आपके हस्बैंड का नाम है, ठीक है? और उनकी वालदा का नाम? निगत सुल्ताना। निगत सुल्ताना, ठीक है। और काशिफ अली की डेट ऑफ बर्थ? 28 अक्टूबर 1980, ठीक है जी। थैंक यू फॉर कॉलिंग। प्लीज अली भाई ये बता दीजिएगा कि एसी अगर ले सकते हैं या नहीं इसी टाइम में, इससे पहले पहले, ठीक है? सही है जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज़ जी। काशिफ कज़ायची की पोजीशन देखते हैं। वेल, ही स्कॉर्पियो, जिसे मुरीख बुर्जक्रब कहते हैं। इनका जोडिक साइन मार्स, लक नंबर 9 है। ट्यूजडे इनका लकी डे है। 10th हाउस की पोजीशन इस वक्त वीक है। लक हाउस काम नहीं कर रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि अभी कामयाबियों के हवाले से वेट करना होगा। कंस्ट्रक्शन का, प्रॉपर्टी का, या जो भी इस वक्त कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज करना चाह रहे हैं तो इन्हें वेट करना होगा। एंड ऑफ दिस ईयर तक या फिर 2018 का फर्स्ट क्वार्टर काशिफ के लिए अच्छा बन रहा है। स्पेसिफिकली अभी हम काशिफ का जायचा आप देख रहे हैं। प्लेनेटरी पोजिशन ग्रेजुअली आगे कामयाबियों की तरफ बढ़ रही है। कोई बड़ा जैकपॉट लग सकता है एंड ऑफ दिस ईयर तक, या फिर कोई पर्सन इनको हेल्प कर सकता है, रिलेटिव में से या कोई फ्रेंड की तरफ से इनको कोई सपोर्ट मिल सकती है फाइनेंशियली तौर पे, जिससे इंशाल्लाह या प्रॉपर्टी लेने में डेफिनेटली कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इन्हें वेट करना होगा। इन बिटवीन वाइट चीज़ का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा। अपना बर्थ स्टोन वेट कर सकते हैं, येलो सफायर या फिर गोल्डन टोपाज। ज़्यादा से ज़्यादा सूरह रहमान, सूरह वाकिया की तिलावत करना इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। अब हम आते हैं एरिज। अरीज इनका नाम है जी। हाँ, थोड़ा सा नाम माशाल्लाह यूनिक्स है। एरिज, शी इज कैंसेरियन, कमर बुर्ज सरतान से बिलोंग कर रही है हमारी सिस्टर। इनके जायचे की पोजीशन अच्छी है। अगर ये कोई जॉब कर रही है या कोई बिजनेस करना चाहती हैं तो इस वक्त, क्योंकि हमने थर्ड स्टार ऑफ द डे एक्सप्लेन किया है आज कैंसेरियन को, तो एरिज आपकी मेरी बहन जायचे की पोजीशन अच्छी बन रही है। तरक्की, प्रमोशन, कामयाबियों की तरफ आपको मैं बढ़ते हुए देख रहा हूँ। ऐसे अच्छे हेल्पफुल हैंड आपको सपोर्ट कर सकते हैं, खासतौर पर पाइसिस एंड स्कॉर्पियो से आपको काफ़ी फायदा होगा। स्कॉर्पियन तो आपके हस्बैंड है, लेकिन पाइसिस में भी कोई पर्सनैलिटी आपकी फैमिली मेम्बर में से या आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकती है जो आपको सपोर्ट कर सकती है। प्रॉपर्टी के हवाले से इंशाल्लाह आपके लिए भी गुड न्यूज़ है। एंड ऑफ दिस ईयर तक या फिर 2018 आपके लिए अच्छा साबित होगा। रूहानी सफ़र के हवाले से, कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस, जॉब, कारोबार, घर के हवाले से 2018 आपके लिए इंतहाई मुबारक साबित होगा। व्हाइट चीज़ का आप भी सदका दे दिया करें। अपना बर्थ स्टोन वेयर कर सकती हैं, मून स्टोन या फिर पर्ल। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करें, नमाज पढ़ें, सदका खैरात करें। स्पेसिफिकली अगर आप सूरह वाकिया, सूरह रहमान की तिलावत करती हैं तो आपके लिए बहुत मुबारक होगा और बायस बरकत होगा। ठीक है जनाब, अब चलेंगे हॉरोस्कोप के जाने पर, जानेंगे कि एरीज का कौन सा हाउस जो है वो आज स्ट्रांग है। जी, एरीज फायर साइन पर्सनालिटी, जिसे मुरीख बुर्ज हमल कहते हैं। इनका जोडिक साइन मार्स, लकी नंबर 9 एंड ट्यूजडे इनका लकी डे है। फर्स्ट हाउस बहुत अच्छा है, दोस्तों पर्सनालिटी अपनी शख्सियत को कैश करवा सकेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट 3 to 5 वीक बहुत इंपॉर्टेंट है एरीज के लिए, जो भी इस वक्त प्लान कर रहे हैं अपने बिजनेस के हवाले से, जॉब के हवाले से, सफर के हवाले से, तो अप्रैल का एंड या फिर मई का मिड इनके लिए अच्छा साबित होगा। रेड चीज का सदका देना एरीज के लिए बहुत मुबारक रहेगा। कॉरल या फिर लेपिस, दोनों में से कोई भी एक स्टोन अगर ये वेयर करते हैं तो डेफिनेटली ये स्टोन इनको रूहानी पावर प्रोवाइड करेगा, हर किस्म की नजरें बस से, बंदिशात से इनको सेफ रखेगा। ठीक है जनाब, हमारे पास एक और मैसेज है। इनका नाम है वजीहा अमजद। इनकी वालदा का नाम है तस्लीम कौसर। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 4th February 1992। मैंने पूछना है कि मेरी जॉब का इशू है और कौन सी फील्ड मेरे लिए सूटेबल रहेगी और शादी कब तक होगी। तो इनको तो मतलब काफ़ी सारे सवालात हैं इनके, और ये एंड में कह रही हैं जी थैंक यू सो मच। तो आप इनके बारे में बताएं।
जी हाँ, शी इज एक्वेरियस, जोहल बुर्ज, दिलों से बिलोंग कर रही है हमारी ये सिस्टर। इनका जोडिक साइन सैटर्न, लकी नंबर 7 एंड सैटर्न इनका लकी डे है। लक हाउस अच्छा बन रहा है, लेकिन अभी कोई सडन गुड न्यूज़ नहीं है इनके लिए जॉब के हवाले से। अलबत्ता 10th हाउस बहुत अच्छा है, 11th हाउस बहुत अच्छा है, दोस्त इनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जुलाई अगस्त के महीने में जॉब के हवाले से तो सडन आपके लिए यहाँ पर मेरी बहन कोई गुड न्यूज़ नहीं है। लेकिन बिजनेस करना गारमेंट्स का, बुटीक का, सैलून का, ये आपके लिए बहुत ही मुबारक रहेगा। 7th हाउस आपका अच्छा बन रहा है, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने, एंड ऑफ दिस ईयर तक, इसी साल का 4th क्वार्टर आपके लिए बड़ा मुबारक रहेगा। लव मैरिज देख रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी, वो स्टार जो आपके अच्छे लाइफ पार्टनर साबित हो सकते हैं उसमें जेमिनी एंड लिब्रा, ये स्टार आपको ऑनर, इज्जत, रिस्पेक्ट दे सकते हैं। इक्वेरीज हैं आप अपने बर्थ स्टोन के साथ, एक्वामरीन, एमिथिस्ट, एगेट के साथ, अगर आप छोटा सा रेड अकीक भी वेयर कर लेती हैं तो बहुत मुबारक रहेगा। मैरिज के हवाले से अच्छे प्रपोजल लेके आने में ये स्टोन आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है जी, टोरस और जेमिनी का जानते हैं कि कौन सा हाउस आज स्ट्रॉन्ग है। जी टोरियन, जिसे हम बुर्ज सौर कहते हैं, इनका जोडिक साइन वीनस, लकी नंबर 6 एंड फ्राइडे इनका लकी डे है। वेल, थर्ड हाउस बहुत अच्छा है एजुकेशन के हवाले से, प्लान करना, आला तालीम हासिल करने के हवाले से, अगर कुछ आप प्लानिंग कर रहे हैं अब्रॉड जाकर बिजनेस करना, जॉब करना, या तालीम के साथ साथ पार्ट टाइम कोई भी काम करना, आपके लिए अच्छा साबित होगा। 7th हाउस बहुत अच्छा है, जो भी इस वक्त आपकी पर्सनल विशेज हैं वो बड़ी तेजी से पूरी हो रही है, कुछ दोस्त आपको सपोर्ट कर सकते हैं, खासतौर पर कैप्रिकॉन एंड वर्गो से आपको काफ़ी फायदा होगा। ग्रीन चीज़ों का सदका देना, नजरे बस से, बंदी शाह से आपको सेफ रखेगा। ग्रीन एमरल्ड जिसे हम जमुरूद कहते हैं या फिर ओनेक्स, दोनों में से कोई भी अगर एक स्टोन आप वेयर करते हैं तो डेफिनेटली ये स्टोन आपकी स्पिरिचुअल पावर में इजाफा करेगा, आपको नजरे बस से, बंदी शाह से, बीमारियों से, हिडन हैंड से सेफ रखेगा। ठीक है जनाब, इसके साथ वक्त हुआ जाता है ख़त्म। शो का आपने रखिएगा ढेर सारा ख्याल और कोशिश कीजिएगा कि अपनी ज़ात से आप किसी को नुकसान ना दें और अपने राउंड अबाउट में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ दें, क्योंकि इससे बड़ी जो है वो कोई चीज़ नहीं हो सकती कि आप किसी के चेहरे पर स्माइल लाएँ। अपना रखें ढेर सारा ख्याल और रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।